ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि तारक मेहता का छोटा चश्मा का तीसरा सीजन आ रहा है। आप सब जानते हैं कि दो सीजन सोनी ये पे प्रसारित हो चुके हैं और अब ये तीसरा सीजन है और दो सीजन लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वो एपिसोड लोगों ने दिल से देखे हैं। अब ये तीसरे सीजन में बहुत कुछ नया नया होगा, कुछ नए किरदार होंगे, नई कहानियाँ होगी और बहुत कॉमेडी होगी और एकदम रोमांच से भरपूर होगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि तारक मेहता का छोटा चश्मा में हम बच्चों की दुनिया से तारक मेहता का छोटा चश्मा, गोकुलधाम सोसाइटी, वो सब कैसे होगा वो दिखाते हैं। तो ये तीसरा सीजन बहुत मज़ेदार होगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, बच्चों की नज़रों से देखना, ये उसके लिए हमको भी बच्चा होना पड़ता है। तो जब बच्चे की नज़र से देखते हैं तो हम भी बच्चों की तरह सोचना चालू कर देते हैं। और मेरी डॉटर ने भी काफ़ी मुझे मदद की, क्योंकि किरदार कैसे होंगे, क्या होगा और कहानियों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी अलग होती है, वो एकदम पारिवारिक शो है, फैमिली शो है। लेकिन अभी छोटा चश्मा जो हमने बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन ऑफकोर्स उसमें बड़े लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो सारे पापा मम्मी को, दादा दादी को बोलता हूँ कि वो लोग बच्चों के साथ में मिल के छोटा चश्मा देखे तो उनको 100% मज़ा आएगा। तो जब कोई भी कॉमेडी शो भी बनाते हैं और स्पेशली एनिमेशन शो बनाते हैं तो बच्चों की दुनिया से देखना पड़ता है, बच्चों की आँखों से देखना पड़ता है। बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनको क्या म्यूज़िक पसंद है, क्या डायलॉग पसंद है। और ऐसे भी डायलॉग नहीं आने चाहिए, क्योंकि बच्चे गलत भी नहीं सीखने चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए हम भारतीय संस्कृति, एक अच्छे मैसेज, हमारा सोशल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम सोशल मैसेज भी देते हैं। तो छोटा चश्मा में भी हम लोग ये बिल्कुल नहीं सिखाना चाहते हैं कि बच्चे लोग के पास कोई रूड लैंग्वेज हो। तो अच्छा सा, निर्दोष, मनोरंजन से भरा, एकदम मज़ेदार हो। तो बस बच्चों की नज़रों से बनाते, हम खुद बच्चे हो जाते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में एनिमेशन बहुत सीमित है, इतने सारे शो नहीं बने हुए हैं, कुछ ही शो सक्सेसफुल रहे हैं। और अब आप सब लोग जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, लोग बिल्कुल मानते नहीं थे कि ऐसा कोई शो हो सकता है, ऐसा कोई टाइटल हो सकता है, और आज ये भारत के घर घर में मशहूर है। तो तारक मेहता का छोटा चश्मा में हम लोग ऐसी कहानी देंगे जो बच्चे लोगों ने ज़्यादातर देखी ना हो, वो अपनी कहानी लगे, उनको अपनी सोच लगे, अपनी दुनिया लगे और वो पूरा परिवार बैठ के देख सके। नॉर्मली जब हम कोई भी कार्टून शो, एनिमेशन शो की बात करते हैं तो हमारे देश में बोला जाता है कि अरे तो बच्चों का शो है, बच्चे लोग को चालू करके दे दो और अपना अपना काम करो। लेकिन हम लोग ये मिथ तोड़ना चाहते हैं कि बच्चों का शो नहीं है, परिवार भी साथ में बैठ के उल्टा चश्मा भी देखे और छोटा चश्मा भी देखे। तो ये हमारी कोशिश है कुछ नयापन लाने की, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा ब्रांड है तो छोटा चश्मा में हम जरूर से सफल होंगे और कुछ एक नई कहानियाँ, नया मनोरंजन हम बच्चे लोगों को दे पाएंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात कि लोगों को अपना लगा है कि नहीं, ये हमारी दुनिया है जो वो सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन वो सब कार्टून कैरेक्टर हैं, वही जेठालाल है, वही दया भाभी है, तो उनको एक अलग रूप मिला है। और हम लोग जो बच्चों को जो कभी कभी मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे दूध नहीं पीते हैं, बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, घर के बाहर खेलने नहीं जाते हैं, मुझे लगता है कि ये जो प्यार भरे तरीके से हम लोग ये मैसेज छोटा चश्मा के जरिए बहुत अच्छे से दे पाए। कुछ माँ बाप ने भी कहा कि तारक मेहता का छोटा चश्मा देख रहे तो हमको कोई टेंशन नहीं है, अच्छी लैंग्वेज है, साफ सुथरे डायलॉग है और हमारे बच्चे देखते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आई थिंक ये पहला शो ऐसा है कि जो लाइव एक्शन में भी चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम पे, और कार्टून सीरीज में तारक मेहता के छोटा चश्मा के नाम से भी चल रहा है। ये दोनों
साथ साथ चल रही है। तो बच्चों का यूनिवर्स है, एक परिवार का यूनिवर्स है, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। देखिए अक्सर जब मैं जाता हूँ सब लोग मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में पूछते हैं, लेकिन आज मेरा आपको अनुरोध है कि मैं छोटा चश्मा के बारे में बोलूँ। तारक मेहता का छोटा चश्मा वो एनिमेशन शो है और हमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक मेरा तोहफा है। बच्चे लोगों ने जो हमें प्यार दिया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो हमने सोचा कि उनकी दुनिया की कहानी बनाए। तो बस आप ये तीसरा सीज़न ज़रूर से देखिए, और कुछ अगर उसके अंदर आपको कहीं पर भी अगर कुछ गलत भी लग रहा है आप फीडबैक दीजिए, ऐसा मौका तो नहीं आएगा आपको, हम एकदम मनोरंजन से एकदम भरपूर कर देंगे। बहुत सारी कहानियाँ हैं और आप एंजॉय करेंगे, ये मेरा विश्वास है।